हॅलो हॅलो हां डिमोला साहेब, मी फोन केला होता. साहेब हॅलो 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 कट कसे हो गया. बुलाओ सबका, निकलेंगे हम लोग. सर लिखा है, अंसारी को बाहर भेजो नहीं तो हम अंदर आ रहे हैं. अश्विन कितने राउंड है तेरे पास? तीन. सात सर. माथे? दो सर. मेरे पास एक अच्छी चाल चली दुश्मन ने हमारी गोलियां खत्म करवा करके सदे की बात करना है. कितने राउंड है तुम्हारे पास शिखर? शेखर क्या कर रहे हो? शेखर इस कुत्ते को बाहर फेंक देते. Are you mad? इसे हम नहीं छोड़ सकते. इसे साथ रख भी तो नहीं सकते. नायडू साहब से मेरी बात हुई है, पुलिस पार्टी अभी आती है. कब आएगी पुलिस पार्टी? कब आएगी? हम सबके मरने के बाद आएगी पुलिस? पंचनामा करने, लाशें गिनने, आप क्या चाहते हैं? हम बैठे बैठे इसी उम्मीद में मर जाए? हम लड़ेंगे शेखर. कैसे लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे? उनकी गोलाबारी हमने देख ली. हमारे पास क्या? सात तीन दो एक. सर आज इस कुत्ते को छोड़ते हैं, जिंदा रहे तो कल पकड़ भी सकते हैं. They have left us with no choice. We don't stand any chance. सब के सब बेमौत मारे जाएंगे यहाँ. अगर मौत से इतना डरते हो तो खाके क्यों पहनी तुमने? खाके पहनने का मतलब समझते हो? फर्ज को जिंदगी से बढ़कर समझना. Understand? Yes, I understand. I understand you, old man. तुम एक नाकाम पुलिस वाले हो. एक नाकाम पुलिस वाले. माना कि जिंदगी में तुमने किसी से कुछ लिया नहीं, लेकिन कुछ किया भी नहीं है.
सारी उम्र डिपार्टमेंट के धक्के खाते रहे हो, सठिया गए अपने बुढ़ापे में, सोचा कि ड्यूटी करते हो मर जाओगे, अमर हो जाओगे, नाम होगा, फैमिली को मेडल शेडल मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे इस खुदगर्ज मकसद के लिए हम नहीं मर सकते। हट जाओ रास्ते से, हटिए। जब तक जिंदा हूं इस मिशन का इंचार्ज मैं हूं, ये कहीं नहीं जा रहा, ये मेरा ऑर्डर है। भाड़ में गया तुम्हारा ही ऑर्डर, भाड़ में गई ये ड्यूटी, और भाड़ में गए तुम। आप बेईमान हो वो तो मालूम था, मगर आज ये भी देख लिया कि आप कायर भी हो। बेवकूफ, मैं सबके लिए लड़ रहा हूं। बात आपकी या मेरी जान की नहीं, अब बात मेरे जमीर की है, और मेरा जमीर कहता है कि डीसीपी साहब ठीक कह रहे हैं, बंदूक नीचे कर लो। तुम मुझ पे गोली चलाएगा? हाँ, इस आईएसआई एजेंट के लिए मुझ पे गोली चलाएगा? इस गद्दार की वजह से मुझे मार, मार दे, मुझे खत्म कर दे। तुम्हें क्या लगता है ये लोग मुझे चुराने के लिए तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं? नहीं, ये लोग मुझे मारना ही चाहते हैं। कब से ताने सुन रहा हूं मैं, कहता ऐसा का एजेंट पाकिस्तानी, एक हिंदुस्तानी होने की कीमत चुका रहा हूं मैं, एक ईमानदार हिंदुस्तानी होने की कीमत। मैं गलत काम नहीं करूंगा, इन तीन लाशों का फिर से पोस्टमार्टम करना जरूरी है, इनका डेथ सर्टिफिकेट मैं अभी इशू नहीं कर सकता। आखिर क्यों? उधर आरएमओ साहब चिल्ला रहे हैं। क्योंकि ये लोग दंगों में नहीं मारे गए हैं, इनको जहर देके मारा गया है और मार काट के जख्म बाद में किए गए हैं। देखिए डॉक्टर साहब, इससे आपकी नौकरी खतरे में। आई एम सॉरी, चाहे मेरी नौकरी चली जाए, मैं झूठा डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा। सुनिए सुनिए डॉक्टर साहब, मेरा नाम भास्कर जोशी है, मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। जिन तीन लाशों का डेथ सर्टिफिकेट देने से, देखिए इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये एक पुलिस केस है। पुलिस भी साजिश में मिली हुई है सर, और इस मामले में एक बहुत बड़े आदमी का हाथ है। देवधर? जी हाँ, हमारे मिनिस्टर देवधर, जो आज शांति की अपील कर रहे हैं, ये दंगे भी उसी ने करवाए। क्यों? कई वजह हो सकती है सर, और ऐसे न जाने कितने जुर्म किए उसने सत्ता के लिए, जिनका काला चिट्ठा इन तीन सोशल वर्कर आशीष गर्ग, नारायण राणे और वैशाली शिंदे ने इकट्ठे किए थे, जिससे कि उसका पर्दाफाश किया जा सके। लेकिन देवधर को इस बात का पता चल गया, उसने तीनों को मीटिंग के बहाने बुलाया और जहर देकर मार दिया, और लाशों पे मारपीट के जख्म बनाकर लाशें फेंकवा दी दंगे वाली गलियों में, ताकि सभी ये समझे कि यह भी दंगे में मारे गए। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मेरे पास देवधर के वो काले कारनामों की फाइल है, अगर आप मुझे इन तीनों लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दें, तो मैं अखबार में छपा दूंगा विद प्रूफ। ये हैं वो रिपोर्ट्स, और अगर मुझे कोई और इंफॉर्मेशन मिल गई तो मैं आपको इत्तला कर दूंगा। ये रहा मेरा कार्ड, कल का अखबार आप जरूर देखें। से आपने कुछ नहीं खाया? कल रात मैंने जो पैंट पहनी थी उसमें एक कार्ड है, वो लेके आना जरा। पहले कुछ खा तो लीजिए। अनीसा, खा लीजिए ना भाईजान, हमें अगर इतनी मोहब्बत से कोई खिलाता तो हम तो जहर भी खा लेते। तू चुप कर, कल रात को तू देर से आया था ना, तुझे मालूम है शहर के क्या हालात है? हमारे मोहल्ले में कुछ नहीं होगा भाभी जान, यहाँ सभी लोग अच्छे हैं। लोग तो सभी अच्छे ही होते हैं तौफीक, हिंदू हो या मुसलमान, सब शांति से जीना चाहते हैं, लेकिन एक अमख्त पॉलिटिशियन से। इकबाल जी, अमी क्या बात है बेटा, बहू बता रही थी कल रात से परेशान है तू। नहीं कुछ नहीं, फिक्र मत कर, अजमेरी शरीफ जा रही हूँ, शांति अमन की दुआ करूंगी। जफर भी अजमेरी शरीफ जाना चाहता है, इसकी छुट्टियाँ चल रही है, मैं सोच रही थी कि नहीं जफर नहीं जाएगा। प्लीज अब आप, प्लीज 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 आप, प्लीज प्लीज। ठीक है, लेकिन दादी को ज्यादा तंग मत करना। थोड़ा करूंगा, चलेगा? शरीर कहीं का। दादी के साथ अजमेर जाएगा। अच्छा सुनो, ट्रेन 5 बजे चलोगे ना? अम्मी मैं आपको छोड़ दूंगा हॉस्पिटल जाते जाते। अम्मी जाए लीजिए। भाभी
और आपने चाय पी। हाँ, ये क्यों? मैंने बनाया है, तुझे तो मैं मारूंगी। भास्कर, अरे तुमने तो कहा था कि देवधर के बारे में तुम सब कुछ छाप दोगे मेरी रिपोर्ट के साथ। क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं छपा? कौन? मैं डॉक्टर इकबाल अंसारी। शाणे, क्या जानता है तू देवधर के बारे में? क्या बताया उस प्रेस रिपोर्टर ने? आप नहीं जानता रे मेरे को। चिंता मत कीजिए, वो अब ठीक है। हाय सर, मैं जयंती भाटिया आज तक से। हम जानना चाहते हैं दंगों के बारे में इस हॉस्पिटल में। आप इसके बारे में आरएमओ सर। प्लीज सर। भास्कर, भास्कर, भास्कर क्या हुआ? गेट द थिएटर रेडी फास्ट। भास्कर क्या हुआ? हाँ क्या? क्या भास्कर?